नाउ जी लेट्स टॉक अबाउट आवर मॉनिटर्स. ठीक है, अब इसमें मॉनिटर्स में आपके सिलेबस में जो जो ओल्ड मॉनिटर्स होते हैं, जो कैथोड रे ट्यूब सीआरटी वाले होते हैं, वो तो सिलेबस से निकल गए. इस सिलेबस में जिक्र आपके पास एलसीडी मॉनिटर्स का है और आपकी ओलेड्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग मॉनिटर्स का है. ठीक है, पहले तो ज़रा समझें कि ये एलसीडी और एलईडी में क्या फ़र्क है फर्स्ट ऑफ ऑल. अच्छा जी, इनमें जो सिमिलैरिटीज है मैं आपको पहले बता देता हूँ. ये एलसीडी हो या एलईडी हो, इनकी बेसिक कंस्ट्रक्शन ये है कि इनके पास फ्रंट पे एक एलसीडी पैनल लगा हुआ होता है. एलसीडी पैनल क्या होता है? एलसीडी स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. हर पिक्सल के लिए एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का अरेंजमेंट होता है, या इस तरीके से. ठीक है, हर पिक्सल के लिए अलग से एक लिक्विड क्रिस्टल का अरेंजमेंट होता है. अब ईच लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, ये आपके पास ईच पिक्सल के लिए, अगर इनको जो मैं अब एलसीडी की जरूरत वर्किंग जरा ध्यान से सुन रहे. अब ये फर्ज करें कि एक पिक्सल है मेरा, एक एलसीडी स्क्रीन का, ये एक पिक्सल, दिस इज वन, जस्ट वन पिक्सल. इस पिक्सल के अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, इनको जब इलेक्ट्रिकल चार्ज मिलेगा तो ये कर्व हो जाएंगे, यानी इस तरीके से ट्विस्ट हो जाएंगे कि इनमें से लाइट पास होने लग जाएगी. ठीक है ना, अगर ये क्या कहते हैं कि इनको चार्ज नहीं मिलेगा तो ये सॉलिड हो जाएंगे और ये लाइट ब्लॉक करेंगे. ठीक है, सो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपके पास ये हर पिक्सल के अंदर, हर पिक्सल के पीछे एक लिक्विड क्रिस्टल का अरेंजमेंट है और इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स हैं. जब इनको इलेक्ट्रिकल चार्ज मिलेगा तो ये जो पिक्सल्स हैं ये ट्विस्ट हो जाएंगे और लाइट को पार होने देंगे. सो आपके पीछे से देखो बैकलाइट है ना, ये देखो यहाँ पे बैकलाइट लगी हुई है, तो बैकलाइट, ये बैकलाइट इसके थ्रू पास हो जाएगी. लेकिन अगर ये इनको चार्ज नहीं मिलेगा तो ये लाइट को ब्लॉक करेंगे, नो लाइट विल कम आउट फ्रॉम दैट पिक्स, और फिर आपको जो है ना वो ब्लैक सी हिस्सा नजर आएगा स्क्रीन के अंदर. ठीक है, सो जो जो हिस्सा लाइट पार कर रहा होगा तो उसके लिए आपके पास जो है वो लिक्विड क्रिस्टल्स उस हिसाब से एक्टिवेट होंगे, इट विल अलाउ दी चार्ज लाइट बैक लाइट टू पास थ्रू. ठीक है, लेकिन अगर करंट अप्लाई नहीं करेंगे तो वो लाइट पास नहीं करने देगा. और ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल है एलसीडी स्क्रीन के ऑपरेशन का, कि जो जो हिस्से में आप लाइट अलाउ करोगे उसको चार्ज दे दोगे, लाइट पास हो जाएगी, जहां पे नहीं अलाउ करोगे तो लाइट पास नहीं होगी. विच ऑल्सो मीन्स कि एलसीडी की अपनी चूंकि लाइट इमिटिंग नहीं है तो इसके पीछे कोई बैकलाइट होनी चाहिए, लाइक जैसे कि यहाँ पे बैकलाइट लगी. ठीक है, ओके. सो ये तो था आपका एलसीडी की वर्किंग. नाउ जरा फर्क समझते हैं कि एलसीडी वर्सेस एलईडी का क्या फर्क है. अगर आपके पास इन दिस सिमिलैरिटीज मैंने कहा समझा दी कि दोनों के फ्रंट में एलसीडी पैनल लगा हुआ है, दोनों पे लगा होता है, ये भी एलसीडी पैनल है, इवन दो दिस इज योर यू नो एलईडी डिस्प्ले, सॉरी दिस इज योर एलसीडी डिस्प्ले और ये आपके पास एलईडी डिस्प्ले है, दोनों में एलसीडी लगा होता है, फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि आपकी जो बैकलाइट है ना, एक बैकलाइट होती है मेड अप ऑफ सीसीएफएल, इसको कहते हैं कोट कैथोड फ्लोरोसेंट लैम्प. ये इस तरह के लैंप्स होते हैं, लाइक दीज लैंप्स, ये कोल्ड कैथोड लाइट्स होती है, पीछे बैकलाइट जो है ना वो कोल्ड कैथोड लैंप्स के जरिए. और दूसरी एलईडी टेक्नोलॉजी में क्या है, इसकी बैकलाइट जो है वो एलईडीज के बेस पे होते हैं, लाइक दिस. ठीक है, सो कहने का मकसद ये है कि है ये दोनों ही एलसीडी डिस्प्लेस, लेकिन एलईडी वर्सेस एलसीडी का फर्क इसलिए आ जाता है क्योंकि उनके बैक लाइट का फर्क है. अब दिस इज व्हाट आई से इन माय क्लास एज वेल, कि टर्मिनोलॉजीज गलत है. ये है दोनों ही एलसीडीज, लेकिन एलसीडी और एलईडी का फर्क ये हो जाता है कि उसके पीछे बैक लाइट का फर्क है. अगर वो प्योरली एलसीडी डिस्प्ले है तो उसकी बैक लाइट पे कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप लगे होंगे, लाइक दिस. और अगर वो न्यूअर एलईडी डिस्प्ले है तो एलसीडी आगे भी लगा है लेकिन पीछे उसकी बैक लाइट पे एलईडीज लगे हुए होंगे. सो असल डिफरेंस आ जाता है बैक लाइटिंग का. ठीक है, अच्छा जी, नाउ अब इसमें बेनिफिट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये तो आपको क्लियर हो गया है कि आपने इंडिविजुअल जो कलर्स रिप्रेजेंट करने, वो आपके बैक लाइटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक आपके लिक्विड क्रिस्टल्स से है. सो आपके पास यहाँ पे कलर फिल्टर है, इंडिविजुअल पिक्सल्स को जो आपने कलर देना है उस हिसाब से आपका लिक्विड क्रिस्टल एडजस्ट करेगा और वही कलर सामने आने देगा. फिर मसला ये है कि वो कलर आपको प्रोजेक्ट कैसा होता नजर आएगा, वो दैट इज थ्रू योर बैकलाइट. ठीक है, सो असल में ये बैकलाइट्स जो है वो सिर्फ वाइट लाइट ही भेज रहे होते हैं, आपकी जो कलर फॉर्मेशन है
वो लिक्विड क्रिस्टल अलोंग विद द कलर फिल्टर जो उसके ऊपर लगा हुआ है उसकी बेस पे। बैकलाइट जो है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। नाउ मैं रिपीट करता हूँ, क्या आपकी एलसीडी डिस्प्लेस क्या है कि दोनों पे, यानी एलसीडी एलईडी दोनों, तो फ्रंट पे आपके एलसीडी पैनल है और एलसीडी पैनल में लिक्विड क्रिस्टल की अरेंजमेंट है हर पिक्सल के लिए, और उस लिक्विड क्रिस्टल के सामने आपके पास एक कलर फिल्टर लगा हुआ है। कलर फिल्टर आप देखें, बेसिक कलर जो है ना, रेड ग्रीन और ब्लू, वो रिप्रेजेंट हो रहा है। हर पिक्सल इज केपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग दीज थ्री कलर्स, ठीक है। आपकी फंडामेंटल स्क्रीन के कलर्स ये होते हैं। सो हर पिक्सल के लिए इंडिविजुअल लिक्विड क्रिस्टल अरेंजमेंट, और हर लिक्विड क्रिस्टल अरेंजमेंट के सामने एक इंडिविजुअल पिक्सल के लिए सेपरेट कलर फिल्टर। सो जो आप लाइट, जितनी लाइट, जिस तरीके से आप लाइट अलाउ करोगे वही यहाँ पे कलर शो होगा। लेकिन वो लाइट जो है वो जब बैकलाइट ऑन होगी तब आपको कहीं जाके बैकलाइट इतनी जरिए से नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे कलर शो हो जाएगा। अभी आपके पास अगर लैपटॉप है, अगर लैपटॉप यूज करें तो अपने स्क्रीन की ब्राइटनेस बिल्कुल खत्म कर दो। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल गौर से देखेंगे तो लिक्विड क्रिस्टल के जरिए आपकी स्क्रीन पर नक्शा सारा नजर आ रहा होगा, लेकिन आपको विदाउट, वैसे दूर से क्यों नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बैकलाइट ऑफ है, उसकी प्रोजेक्शन ऑफ हुई है, ठीक है ना। सो दीज आर एलसीडी डिस्प्लेज। फ्रंट पे आपकी एलसीडी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ये एलसीडी पैनल में ये दोनों चीजें लगी हुई हैं, आपके लिक्विड क्रिस्टल्स फॉर इंडिविजुअल पिक्सल्स और उसके ऊपर कलर फिल्टर फॉर रिप्रेजेंटिंग पर्टिकुलर कलर ऑन द स्क्रीन, जो आपके स्क्रीन पे जरूरत है उस टाइम पे वो कलर शो करते हैं। लेकिन फर्क ये हो जाता है कि बैकलाइट फर्क है, ठीक है। अगर तो आप एलईडी टीवी यूज कर रहे हैं तो उसकी बैकलाइट जो है वो एलईडीज की अरेंजमेंट होगी, और अगर आप एलसीडी, प्योर एलसीडी यूज कर रहे हैं तो उसकी बैकलाइट पे सीसीएफएल लगा हुआ, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। अब उससे फर्क हमें एक तो ये समझ आ जाता है कि आपके पेपर में क्वेश्चन है फर्क क्या है दोनों में, एक की बैकलाइटिंग सीसीएफएल के जरिए, एक की बैकलाइटिंग एलईडी के जरिए, पहली तो बात ये। दूसरी चीज ये कि आपकी बेनिफिट्स पे आ जाते हैं। अब आपका एलसीडी का जो, यानी एलईडी वाले बैकलाइट का बेनिफिट ये होता है कि एक तो एलईडी इंस्टेंट ब्राइटनेस पे पहुंच जाती है, सो आपकी जो कन्वेंशनल सीसीएफएल है ना वो मैक्सिमम ब्राइटनेस में पहुंचने में थोड़ा उनका टाइम लगता है, लेकिन आपकी एलईडी जो है वो इंस्टेंटली ब्राइट हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि आपकी एलईडीज जो है वो लेस पावर हंग्री होती हैं, इनकी पावर कंजम्पशन कम है, तो ये बैटरी ऑपरेटेड अगर डिवाइसेस होंगे तो उनके लिए बड़ा अच्छा होगा। ये हीट कम जनरेट करती हैं, तो ये इसलिए आपका जो स्क्रीन है वो हीटअप भी नहीं होती, ठीक है। सो लेस पावर कंजम्पशन, लेस हीट जनरेशन, दे आर मोर ड्यूरेबल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास जो स्क्रीन की जो इमेज है वो बड़ा फर्क पड़ जाता है, मोर विविड डिस्प्ले बनता है आपकी एलईडी बैकलाइट के साथ। एलसीडी बैकलाइट के साथ एक थोड़ा सा ग्रेश सा स्ट्रक्चर आ रहा होता है, एक स्क्रीन का जो है ना वो एक फेडेड सा स्ट्रक्चर आ रहा है। सो मोर क्रिस्प इमेजेस विद एलईडी बैकलाइट एज अपोज टू द सीसीएफएल बैकलाइट, ठीक है ना। ओके, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एलसीडी वर्सेस एलईडीज। आई नो कि बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होती है कि एलईडी का मतलब क्या है। आप तो कह रहे थे कि एलईडी तो सेल्फ इमिटिंग लाइट, दैट इज, दैट्स राइट, लेकिन एलईडी, यहाँ पे एलसीडी वर्सेस एलईडी का फर्क ये है कि दोनों ही फ्रंट पे एलसीडी पैनल ही लगा हुआ है, लेकिन बैकलाइट का फर्क आ जाता है। बैकलाइट में आपके पास एक तरफ एलईडी है, दूसरी तरफ सीसीएफएल है, लेकिन फ्रंट पे दोनों में ही एलसीडी पैनल ही लगा हुआ होता है। फिर वो कौन सा डिवाइस होता है जिसकी हर पिक्सल ही लाइट एमिट कर रही होती है ऑन इट्स ओन, ठीक है, वो भी हमने क्लास में जिक्र किया। और इस तरह की मार्केट में डिवाइसेज हैं जो कि इटसेल्फ उनको बैकलाइटिंग की जरूरत ही नहीं होती, वो कौन से डिवाइसेज हैं? वो जनाब आपके पास होते हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है ना, ओलेड डिस्प्लेज। ना ओलेड डिस्प्लेज, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स, उनको बैकलाइट की जरूरत होती है। हर पिक्सल के अगेंस्ट इसका इस तरह का एक अरेंजमेंट होता है, एक एनोड है और एक कैथोड है। जब इन दोनों के अंदर चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज दिया जाता है तो ये लाइट एमिट करते हैं ऑन इट्स ओन, दे आर इटसेल्फ एमिटिंग लाइट। और जिस हिसाब से आप लाइट देंगे, उनके अंदर फिल्टर्स लगे हुए, ऑर्गेनिक लाइट फिल्टर्स लगे हुए तीनों बेसिक कलर्स की, और उस हिसाब से लाइट एमिट हुई, ठीक है ना। सो बेसिकली आप चार्ज की बेस पे कंट्रोल कर रहे हैं कि इन तीनों कलर्स में से इंटेंसिटीज कितनी जा रही है। अगर आप तीनों कलर्स इकट्ठे दे देते हैं तो दैट मीन्स यू आर एमिटिंग वाइट लाइट, लेकिन बाकी अगर आपने शेड्स क्रिएट करने हैं तो चार्ज की बेस पे इन शेड्स को आप रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये हर पिक्सल के लिए इंडिविजुअल अरेंजमेंट है, इसको बैकलाइट की जरूरत नहीं होती। इटसेल्फ जो आपका एलईडी है, जो कलर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, वो इटसेल्फ एक एलईडी है, वो इटसेल्फ एक सेल्फ इमिसिव टर्म जो यूज की जाती है, वो है सेल्फ इमिसिव, यानी इट्स एमिटिंग लाइट ऑन इट्स ओन।
इटसेल्फ एमिसिव स्ट्रक्चर है और हर पिक्सल आपके स्क्रीन पे खुदी से लाइट इमिट कर रहा होता है, बैकलाइट की अरेंजमेंट नहीं होती। नाउ दिस इज ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। अब यहाँ पे फर्क आपको समझ आना चाहिए कि रेगुलर एलईडीज वर्सेस ऑर्गेनिक एलईडीज, ओलेड्स, एलईडी वर्सेस ओलेड का क्या फर्क होता है कि एलईडी में बैकलाइटिंग जो है यूज होती है, ओलेड में बैकलाइटिंग नहीं यूज होती। एलईडी में हर पिक्सल जो एलसीडी में रिप्रेजेंट होता है और ओलेड के अंदर हर पिक्सल जो है सेल्फ इमिसिव होता है, यानी कि वो खुद ही लाइट इमिट कर रहा होता है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ओके, अब ओलेड का बेनिफिट क्या है? ऑब्वियसली अगर आप देखें इसके अंदर एडिशनल लेयर्स की जरूरत नहीं होती, वेरी कॉम्पैक्ट डिस्प्लेज, ठीक है। यहाँ पे तो अगर आप एलसीडीज या एलईडी में टेक्नोलॉजी में चले जाएं तो मल्टीपल लेयर्स हैं, आपके पास एलसीडी का पैनल होगा, फिर कलर प्रिज्म शीट होगी, फिर पैक लाइट होगी, तो मल्टीपल लेयर्स हैं जिसकी वजह से डिवाइस जो थोड़ा सा थिक बनता है। व्हेयरएज ओलेड डिस्प्लेज आर वेरी कॉम्पैक्ट, उनके अंदर बैकलाइटिंग की जरूरत नहीं होती, एडिशनल लेयर्स की जरूरत नहीं होती, तो उनका साइज का बड़ा फर्क होता है। अच्छा, अब चूंकि उनको बैकलाइटिंग की भी जरूरत नहीं है तो पावर कंजम्पशन की बहुत कम होता है उनका, ठीक है ना। वैसे ही आपका जो एलसीडी और एलईडी का डिफरेंस दिखाया जाता है पिछली स्क्रीन में, तो एलईडी वैसे ही पावर कंजम करता है, लेकिन अब अगर आप बैकलाइट भी निकाल देते हैं ना तो फिर आपके पास मजीद पावर एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। इनकी जो लाइट है वो और मजीद ब्राइटर होती है, और सिंस दे आर मोर पावर एफिशिएंट, लेस पावर कंज्यूम करते हैं, इनकी हीट डिसिपेशन भी कम होती है, बहुत एफिशिएंट किस्म के। एक्सपेंसिव होते हैं डेफिनेटली, हायर क्वालिटी डिस्प्लेज मोस्ट डेफिनेटली, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट हमें आजकल जो नजर आ रहा है ना, वो ये है कि इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर वो प्लास्टिक होता है। अब प्लास्टिक की होने की वजह से हम इसको वेरियस शेप्स और साइजेस में एडजस्ट कर सकते हैं। आजकल मोबाइल स्क्रीन में कर्व्ड स्क्रीन्स और फोल्डेबल स्क्रीन्स, इस तरह की चीजें आ रही हैं, दैट इज थैंक्स टू द ओलेड डिस्प्लेज, ठीक है। ये एलसीडीज में, कन्वेंशनल एलसीडी पैनल्स में ऐसा नहीं हो सकता था, ये ओलेड में ही पॉसिबल होता है, ठीक है। सो ये आपका डिफरेंस है विद योर एलईडीज वर्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड वर्सेस योर एलसीडी एंड एलईडी। मैं क्विकली रिकैप कर देता हूँ, एलसीडी एलईडी दोनों में एलसीडी पैनल्स होते हैं, लेकिन उसको एलईडी कहते क्यों है, क्योंकि एक एलसीडी पैनल के पीछे सीसीएफएल कोड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप होता है, जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी है, फुली ब्राइटनेस पहुंचने में उसको टाइम लगता है, एक इतना क्रिस्प डिस्प्ले नहीं करता, एक फेडेड सा डिस्प्ले देता है, ठीक है ना, येलोइश सा डिस्प्ले देता है, एंड हीट भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ आपकी एलसीडी के पीछे एलईडीज लगे हुए होते हैं बैकलाइट के लिए, विच इंस्टेंट ब्राइटनेस तक फौरन पहुंच जाते हैं, वो ज्यादा क्रिस्प डिस्प्लेस देते हैं, मैक्सिमम ब्राइटनेस उनकी ज्यादा होती है, मोर पावर एफिशिएंट होती है, और इनकी पावर कंजम्पशन कम होती है, हीट भी कम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सेल्फ एलसीडी पैनल में हो क्या रहा होता है कि आपके लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं फॉर ईच पिक्सल, अगर लिक्विड क्रिस्टल को चार्ज दे दोगे तो वो ट्विस्ट होके लाइट को अलाउ करना शुरू कर देगा, अदरवाइज क्या कहते हैं कि अगर उसको चार्ज नहीं देंगे तो वो फिर लाइट को ब्लॉक कर देगा और वो पिक्सल आपका सॉर्ट ऑफ ऑफ नजर आ रहा होगा। सो ब्लैक कलर शो करने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। फ्रंट पे उसके पास फिल्टर लगा होता है, सो ईच पिक्सल को आप जो बेसिक कलर्स देना चाहते हैं वो इस फिल्टर्स की बेस पे दे देते हैं। लेकिन चूंकि एलसीडी हो या एलईडी हो, एलसीडी पैनल के अगर यूज कर रहे हैं तो उसको बैकलाइट देने की जरूरत है, बिकॉज इनके अंदर सेल्फ इमिशन नहीं होती, इनको बैकलाइट, अगर आप एलईडी बैकलाइट यूज कर रहे हो तो आपका एलईडी टीवी खिलाएगा, और अगर आप एलसीडी बैकलाइट यानी आप सीसीएफएल करोगे तो कन्वेंशनल एलसीडी टीवी खिलाएगा। लेकिन अगर आप सेल्फ इमिसिव टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं कि हर पिक्सल खुद ही लाइट इमिट कर रहा है, That will be the OLED displays, ठीक है ना। अब हर पिक्सल के लिए ऐसा अरेंजमेंट है, उसमें कैथोड्स और एनोड्स होते हैं, उनको अगर आप इलेक्ट्रिकल चार्ज देते हैं तो दे स्टार्ट एमिटिंग लाइट, चार्ज की बेस पे आप कंट्रोल करते हैं कि आपने कलर कौन सा प्रोजेक्ट करना है, द बेसिक कलर्स यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं, अगर आप तीनों कलर्स दे दोगे इट मीन्स व्हाइट लाइट, अदरवाइज कोई स्पेसिफिक कलर हो सकता है, ठीक है। सो ये आपके पास एक न्यूअर टेक्नोलॉजी, इसका फायदा ये है कि इसमें चूंकि बैकलाइट नहीं होती तो लेस पावर, इवन लेसर पावर कंजम्पशन है, वेरी कॉम्पैक्ट डिवाइसेज, दे आर मोस्टली मेड ऑफ प्लास्टिक, सो इसकी कर्व्ड स्क्रीन जो साइजेस बन सकते हैं, ठीक है, और इंस्टेंट ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ इसकी बहुत पावर एफिशिएंट होते हैं, वेरी वेरी यू नो लो पावर रिक्वायरमेंट है इसकी, ठीक है। तो ये आपके पास थी आउटपुट डिवाइसेज में आपकी स्क्रीन्स।